प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं इन क्वेश्चन पर, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। वर्तमान आयु पूछी है, मान लीजिए माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष है। उसने जिक्र किया 3 वर्ष पूर्व का, तो 3 वर्ष पूर्व निकाल लो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी? 3 को माइनस कर देंगे वर्तमान में से, एक्स माइनस 3 वर्ष। और 5 वर्ष पश्चात का भी, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ये प्लस हो जाएगा 5x में। उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा हमें, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो इसके व्युत्क्रम निकाल लो दोनों के, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? x माइनस 3 थी, तो ये हो जाएगा 1/x-3। ये पलट दिए हमने। इसी तरह से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष पूर्व पश्चात x प्लस 3 थी, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा x 1/x+5 वर्ष। इसी तरह से देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम। उसने कहा था 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 है। तो प्रश्नानुसार एक बटे एक्स माइनस 3 प्लस 1/x+5 दोनों का योग हो गया, और वो कितना है? 1/3 है। ये समीकरण बन गई आपके, इसे निकाल दो, हल कर लो इसको। तो x माइनस 3 और x+5 एलसीएम आ गया, इससे ये कट जाएगा। x+5 की 1 में गुणा करेंगे, x+5 बचेगा, प्लस x+5 कट जाएगा इससे, तो x-3 बचेगा, इसकी 1 में गुणा करेंगे x-3 बचेगा 1/3। x और x 2x हो जाएंगे, प्लस 5-3 2 हो जाएंगे, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x x x² प्लस 5 की x में करेंगे 5x माइनस 3x और माइनस 3×5=15 1/3। फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 2 कॉमन, x+1 बचेगा अपॉन x² 5-3 2x बचेंगे, -15 = 1/3। इसके बाद तिरछी गुणा कर दो, 1 में करेंगे इसकी, तो यही रहेगा x² + 2x - 15 = ये तो हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ इसका 2 कॉमन लेने का, इसको 2x+2 ही रहने दो। यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3×6x + 3×6 x² + 2x, 6x को इधर ले आओ -6x, -15 है इधर ले आओ इसको 6 को, -6 = 0, x² - 4x बचेंगे, -21 = 0। देखिए अभी यहाँ समीकरण बन गए, द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए हम क्या कहेंगे, कैसी 2 संख्याएँ ढूंढेंगे जिनका गुणनफल 21 आए और घटा के 4 आए। तो 7 + 21 और 7 - 3 = 4, तो इसको कर देंगे यहाँ पर ऐसे,
सात माइनस तीन, एक्स माइनस इक्कीस बराबर जीरो। माइनस के साथ एक्स, माइनस माइनस प्लस, तीन की एक्स में करेंगे तीन एक्स, माइनस इक्कीस बराबर जीरो। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस सात बचा, प्लस तीन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस सात बचा बराबर जीरो। एक्स माइनस सात और एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब यदि एक्स माइनस सात बराबर जीरो तो एक्स बराबर प्लस का सात आ जाएगा, और यदि एक्स प्लस तीन बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस का तीन आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं होती इसलिए ऋणात्मक मान छोड़ने पर, तो एक्स का मान प्लस का साथ है, तब रहमान की वर्तमान आयु एक्स थी, एक्स बराबर सात आ गई वर्ष। बस ऐसे ही करेंगे इसको। धन्यवाद।